हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, एक और प्रॉब्लम अपन देखेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था तो उसके अंदर मैंने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का वर्किंग रूल बताया था, कैसे ए और बी के फॉर्मूले याद करना है, कैसे अपन को चलना है, कैसे सीएफ निकालना है। तो पहला वीडियो मैंने उसको बनाया था, वहां पर आप एक बार जाके जरूर देखें। तो अपन ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं बन रही, ठीक है। इससे पहले जब मैंने क्वेश्चन किया था तो फटाफट सीएफ निकल गया था, और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में इंपॉर्टेंट है सीएफ निकालना, क्योंकि सीएफ ही उसका टोटल सॉल्यूशन फाइंड करता है। सीएफ अगर आपका सही नहीं निकला तो काम नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि इसका अगर अपन देखें तो जितने भी इसके जो कोएफिशिएंट्स है सारे क्या है, वेरिएबल फंक्शंस है। तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट लगने का सवाल ही नहीं है, और ना ही दोस्तों ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बनती है, क्योंकि होमोजेनिटी यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है, हर कोएफिशिएंट के साथ डेरिवेटिव के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट यहाँ पे देखिए दो ऑर्डर का डेरिवेटिव है और दो डिग्री का है, चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़। तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे मेथड पार्ट ऑफ सीएफ का, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, d2y by dx2 का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, d2y / dx2 - 2 डिवाइड करेंगे * x dy / dx और + 2 1 + x / x2 * y = x। तो मैंने फटाफट किया गया इस इक्वेशन को, मैंने एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड करा दिया, क्योंकि अपने जो जनरल फॉर्म होती है उसमें कोएफिशिएंट 1 होता है। तो अब देखिए d2y / dx2 + p dy / dx + qy = r, अब ये जनरल फॉर्म अपनी बन गई है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ सीएफ वाला मेथड यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए p + qx = 0 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, p + qx। कैसे देखिए, p की वैल्यू क्या है, -2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और क्यू अपना क्या है, ये अपना क्यूब होता है 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स। तो देखिए एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो गए। तो देखो पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो पार्ट ऑफ सी एफ वाला मेथड दोस्तों मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जो मैंने बताया हुआ है पहले, उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई भी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, उसको डीप में समझना हो। तो हमेशा जब पी प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो अपन क्या मानते हैं, यू यू अपन मानते हैं एक्स। क्या मानते हैं अपन यू, अपन क्या मानते हैं एक्स मानते हैं। तो यू अपन क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। अगर पार्ट ऑफ सी एफ मेथड अगर यूज करें तो उसमें अगर p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो तो अपन u क्या मानते हैं, x मानते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू यू भी कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो u को अपन को पता चल गया एज पर कंडीशन, अब v कैसे निकालना है, तो v निकालना भी आसान है, याद कीजिए दोस्तों मैंने की इक्वेशन बताई थी आपको, उसको याद करने का तरीका भी बताया था, d2v / dx² + p + 2 / u du / सॉरी p + 2 / u * du / dx मल्टीप्लाई dv / dx इक्वल टू r / u। दोस्तों मैंने ये इक्वेशन आपको मैंने बताई थी जब मैंने पार्ट ऑफ सीएफ मेथड कराया था, कि ये इक्वेशन लगाते हैं v निकालने के लिए, ये v के अंदर सेकंड ऑर्डर की d है। अब सिंस अपन को यहां पे cf ही निकालना है, इस वाले r / u को 0 मान लीजिए, क्योंकि अपन को pi से कोई मतलब नहीं, अपन को सिर्फ cf से मतलब है, क्योंकि अपन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यहां पे यूज कर रहे हैं जो cf से ही कंप्लीट सॉल्यूशन पता करता है। तो फटाफट सारी वैल्यू डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, d2v / dx² + p की वैल्यू क्या है, p है -2 1 + x / x + 2 / u, u अपना x है, x का डिफरेंशिएशन du / dx हमेशा 1 होगा into dv / dx equal to 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिए d2v / dx² + मल्टीप्लाई करने पे -2 / x -2 + 2 / x into dv / dx equal to 0। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई d2v / dx² - 2 dv / dx equal to 0। तो देखिए अब ये बन गई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे अपन को पता है क्या करना है, कैपिटल d मानना है d / dx को, तो ये क्या हो जाएगा d square v - 2 dv equal to 0, या फिर इसको बोला जा सकता है d square - 2 d into v equal to 0। तो इसका cf दोस्तों क्या निकलेगा, cf इसका कैसे निकलेगा, अपन को निकालनी पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो d की जगह m रखेंगे, तो m square - 2m = 0,
m into m minus 2 equal to 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 0.2 आ गई, तो इसका CF अपना क्या निकल जाएगा, CF यानी V निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा C1 e raised to 0x, जो क्या होगा 1 होगा, plus C2 e raised to 2x, तो दोस्तों इसका ये CF निकल गया, इसका मतलब यहाँ पे अपन को V मिल गया है। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, U into V इसका क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। जरा ध्यान से सुनिए, m की वैल्यू अपन को क्या मिली है, 0 और 2 मिली है, और CF का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो डिस्टिंक्ट रूट आता है तो C1 e raised to m1x plus C2 e raised to m2x, तो C1 e raised to 0x plus C2 e raised to 2x, ये V आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन अपना क्या होगा, y equal to UV, y equal to क्या होगा, UV अपना कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। U अपने पास x है, कैसे पता चला U equal to x, e plus qx equal to 0, तो y यानी y अपने पास क्या आ गया, ये आ गया C1 plus C2 e raised to 2x into x, V into U, तो y equal to क्या आ गया, C1x plus C2x e raised to 2x, तो ये अपन को CF मिल चुका है, जो अपन को चाहिए था। अगर method of variation of parameter आपको लगाना है, तो आपको CF चाहिए। अब बताइए फटाफट क्या होगा, इसको बोल दीजिए C1 की जगह A लगा दीजिए, और इसके साथ वाले को U, और इसको B मान लीजिए, और ये हो जाएगा V। अब अपन ने C1 और C2 कांस्टेंट को ट्रीट कर लिया है एज अ पैरामीटर, यानी A और B मान लिया है, वेरी करा दिया है। अब बहुत आसान काम है, U की जगह X है, B की जगह X into e raise to 2X है, अब A और B निकालना है, और A और B निकालना भी बहुत आसान है। मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे लास्ट वीडियो के अंदर ए और बी निकालने के लिए, और मैंने उसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कैसे याद करना उन फॉर्मुलों को। तो देखें ए और बी निकालते हैं, ए और बी कैसे निकलेगा, तो ए निकालने का मैंने क्या फॉर्मुला बताया था, ए निकालने का मैंने फॉर्मुला बताया था, नेगेटिव साइन ऊपर आता है अपना यू, यह आएगा यू इंटू कैपिटल आर यू वी डेक्स माइनस यू डेक्स बी डी एक्स प्लस आता है सी थ्री, और B के अंदर क्या आता है, इंटीग्रेशन वी आर यू वी डेस माइनस यू डेस वी डी एक्स प्लस सी ओ। तो ये मैंने कुछ फॉर्मूले दोस्तों यहाँ पे मैंने बताए थे आपको, दोस्तों याद होगा अगर आप, सॉरी यहाँ पे आएगा V आएगा, यहाँ पे V आएगा और यहाँ पे आएगा U। तो दोस्तों मैंने ये फॉर्मूले मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताए थे, ए का फॉर्मूला होता है नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन वी आर अपॉन यू वी डेस माइनस यू डेस ई, यानी इस चीज का आप इंटीग्रेशन कर लो, प्लस कांस्टेंट सी थ्री, और बी का फॉर्मूला बताया था। ए और बी के फॉर्मूले याद रखना आसान है, नीचे देखो चीज फिक्स है यू वी डेस माइनस यू डेस बी, और यहाँ पे भी यू वी डेस माइनस यू डेस बी, और आर यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आता है नेगेटिव साइन रहता है इसके अंदर, और बी के अंदर पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे बी आता है और यहाँ पे क्या आता है यू आता है। दोस्तों फटाफट अगर ए निकालते हैं तो ए कैसे निकलेगा, ए देख के जरा ध्यान से, इंटीग्रेशन अपना ये u है ये v है, तो ये कितना हो जाएगा v into r, तो क्या हो जाएगा x e raise to 2x into r, r अपना क्या है x है into x, यानी x into x क्या हो जाएगा ये x square हो जाएगा, नीचे करना u v dash, यानी u अपना क्या है x है as it is, x as it is अपना, और इसका करना है डिफरेंशिएशन x e raise to 2x का, तो इसका प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा सकते हैं, दो अलग अलग फंक्शन है, तो सबसे पहले x का करेंगे तो 1 e raise to 2x अपना as it is, फिर अपना x as it is, और e raise to 2x का क्या हो जाएगा अपना 2 आगे आ जाएगा e raise to 2x हो जाएगा, और माइनस का साइन अगली बार करना u dash का, यानी x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1, और b अपना as it is, यानी x e raise to 2x, तो ये अपना a की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव साइन, इस पूरे में से देखिए e raise to 2x तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी e raise to 2x और x दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो x e raise to 2x पूरा कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 plus 2x minus 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1 plus 2x minus 1 बन जाएगा, तो ये 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x square e raise to 2x ऊपर ही है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव साइन x square e raise to 2x upon, नीचे हो जाएगा 2x square, देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गया, ये 2 आगे आ जाएगा x, ये हो जाएगा 2x square e raise to 2x हो जाएगा, तो ये x square e raise to 2x cancel हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 by 2 common dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी minus x by 2 plus c3। तो दोस्तों ये a अपन को फटाफट यहाँ पे मिल गया। अब निकालना है दोस्तों अपन को b, क्या निकालना है अपन को b, अपन को निकालना है, तो मैं b यहाँ पे निकालता हूँ, तो b यहाँ पे निकालता है,
तो देखो बी निकालने के लिए अपन को नीचे वाली चीज निकालने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे अपन को पता चल गया कि नीचे वाला पार्ट देखिए बी के अंदर फॉर्मूले में भी फिक्स है, यू बी डैश माइनस यू डैश बी, ए के अंदर भी यही था। तो नीचे अपना क्या आ रहा है, टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू टू एक्स अपना फिक्स है, नीचे क्या है टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू टू एक्स अपना फिक्स है, यही अपना अभी निकला था, यही अभी अपना निकला था नीचे वाला यू बी डैश माइनस यू डैश बी, और ऊपर बी के अंदर अब बी की जगह क्या आ जाएगा यू आ जाएगा, तो यू अपना क्या है, यू अपना है एक्स, देखिए जरा यू अपना क्या है एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इन टू, और आर अपना क्या है, आर भी अपना क्या है, आर भी अपना क्या है एक्स इंटीग्रेशन डीएक्स, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा ये एक्स इन टू एक्स और ये अपना एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा वन बाई टू इंटीग्रेशन ई रेस टू टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई रेस टू टू एक्स डीएक्स, सॉरी बी की वैल्यू आएगी यहाँ पर, बी की वैल्यू आएगी, तो बी की वैल्यू दोस्तों क्या निकलेगी, बी की वैल्यू निकल जाएगी, बड़ा सिंपल है ई रेस टू ए एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर ई रेस टू माइनस टू एक्स प्लस सी फोर। तो दोस्तों देखिए ये बी निकल गया, तो कितना फटाफट देखो दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ए भी मिल गया है और बी भी मिल गया है, ए और बी आ गया, ए और बी की वैल्यू वापस यहाँ पे डाल दो, यू अपना एक्स है और बी अपना एक्स ई रेस टू टू एक्स है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, ए की वैल्यू जो है ये माइनस एक्स बाय टू प्लस सी थ्री, ये ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू है माइनस वन बाय फोर ई रेस टू माइनस टू एक्स प्लस सी फोर, ये ए और बी की वैल्यू अपन यहाँ पे रख देंगे, और यू और बी अपना ऑलरेडी पता है कि एक्स और बी अपना है एक्स ई रेस टू एक्स, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना, फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का मिल जाएगा विथ हेल्प ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो दोस्तों ऐसे अपन को यूज करना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जब अपना सीएफ आसानी से नहीं निकलता हो, क्योंकि यहाँ पे सीएफ निकालने के लिए अपन को मेथड कौन सा यूज करना पड़ा, पार्ट ऑफ सीएफ अपन को मेथड यूज करना पड़ा, जरूरी नहीं कि हर समय आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ही मिले, हो सकता है कि आपको दूसरे टाइप का वेरिएबल फंक्शन भी मिल सकता है, तब आपको सीएफ निकालने के लिए अलग अलग मेथड यूज करने पड़ सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।